संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जीवन चरित्र पर आधारित फीचर फिल्म अंतरयात्री महापुरुष द वॉकिंग गॉड का यूपी प्रीमियर शो पीएनसी परिवार की तरफ से शी टॉकीज में दिखाया गया। गुरुवर के जीवन पर आधारित इस फिल्म को देखने के लिए शहर के सकल जैन समाज के लोगों के साथ शहर के प्रबुद्ध जन भी टॉकीज पहुंचे। फिल्म निर्देशक अनिल कुलचैनिया ने देश भर में जैन धर्म के सबसे बड़े संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जीवन चरित्र पर आधारित अंतरयात्री महापुरुष द वॉकिंग गॉड फीचर फिल्म को तैयार किया है। सोमवार को पीएनसी परिवार की तरफ से श्री टॉकीज में शहर की सकल जैन समाज के साथ शहर के प्रबुद्ध जनों को फिल्म का यूपी प्रीमियर शो दिखाया गया। अरे आपका बेटा तो बिल्कुल भगवान की तरह सुंदर और मनोज्ञ दिखता है, इसे भगवान के चरणों में ही बैठा लेने दीजिए ना। इस फिल्म में आचार्य श्री की बाल अवस्था से लेकर मुनि दीक्षा लेने तक के जीवन को प्रदर्शित किया गया है। आज मैं वंदनी गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर भौतिक सुखों को अंतिम प्रणाम कर रहा हूँ। आज मैं मुक्ति के महान एवं दिव्य पद का पथिक बनने जा रहा हूँ। मेरी साधना सार्थक हो। फिल्म के यूपी प्रीमियर शो को परिवार सहित देखने के लिए श्री टॉकीज में मौजूद पीएनसी कंपनी के चेयरमैन प्रदीप जैन ने कहा कि जैन परंपरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सबसे बड़े संत हैं। उन जैसा संत इस दुनिया में नहीं है। गुरुवर के विश्व भर में लाखों भक्त हैं और भक्तों को गुरुवर के त्यागमय जीवन से रूबरू कराने के लिए आज श्री टॉकीज में इस फिल्म को प्रदर्शित किया गया है। क्या करे बेटा? अक्का देखो ना इस नन्हे से चूहे के बच्चे को, इसे चींटियां खा रही है और ये दर्द से तड़प रहा है। जो जीव अपनी रक्षा नहीं कर सकता उसे भगवान बनाते ही क्यों है अक्का? पिल्लू क्योंकि इनकी रक्षा और सहायता के लिए भगवान ने मनुष्य को बनाया है। दो मुझे अब इसे कोई चोट नहीं पहुंचाएगा क्योंकि अब ये अपने अक्का के पास रहेगा। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जैन धर्म के ही सर्वोच्च संत नहीं हैं, विश्व के हर धर्म के सर्वोच्च संत इन्हें माना जाता है। उनके ऊपर पूरी फीचर फिल्म करीब 2.5 घंटे की बनी है जिसका आज प्रीमियर शो श्री टॉकीज आगरा में हो रहा है और हमें बहुत खुशी है कि आगरा के लोगों में बड़ा उत्साह है इस फिल्म के लिए। आज पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है, बहुत पब्लिक बाहर खड़ी हुई है इस पिक्चर को देखने के लिए। आचार्य श्री का जीवन मानव मात्र सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अंतरयात्री महापुरुष द वॉकिंग गॉड फिल्म के प्रीमियर शो का उद्घाटन महापौर नवीन जैन ने किया। उन्होंने भी फिल्म निर्माता अनिल कुलचैनिया को गुरुवर के जीवन पर फिल्म बनाने के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आगामी कुछ दिनों में श्री टॉकीज में मॉर्निंग शो में इस फिल्म को शहर के जैन समाज के लोगों को दिखाया जाएगा। अरे रुक 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 रुक, ब्रेक ब्रेक, क्या हुआ? हमको रेलगाड़ी में बैठना है। अरे तो बैठ जाना, ट्रेन धीरे से चल रही है, चला दिया फालतू में, रुकी है ट्रेन, जाके बैठ जा। चल ब्रेक खोल और चला। संतों के संत, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के ऊपर देश के अंदर, अगर मैं देश की बात करूं, देश के अंदर एक पहली ऐसी फिल्म बनी है जो पूरी फिल्म है, 3 घंटे की फिल्म है। लघु फिल्म तो बनी है संतों के ऊपर, 1 घंटे की फिल्म, आधा घंटे की, लेकिन पूरी फिल्म कभी नहीं बनी। ये पहली ऐसी फिल्म है जो 3 घंटे की रिलीज आज शो का चल रहा है यहाँ पर श्री टॉकीज में,
और मैं अगर आचार्य संत विद्यासागर महाराज जी की बात करूं कि 20 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर और 24 वर्ष की आयु में और संत जीवन धारण कर लिया, सब प्रकार का त्याग कर दिया, कपड़ों का त्याग, मिठाई का त्याग, नमक का त्याग। देखिए आगरा शहर में बहुत सारे मेले कराए हैं एज अ संयोजक, लेकिन ये तो अनूठा मेला है, एक फिल्म के थिएटर में धार्मिक मेला कराना ये पहली बार हमारा अनुभव है। आचार्य विद्यासागर की इस फिल्म को देखकर जो आनंदित हो रहे हैं लोग, जो अभिभूत हो रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू पीएनसी परिवार। श्री टॉकीज में फिल्म के यूपी प्रीमियर शो में मौजूद एफ मैक के अध्यक्ष पूरन डाबर ने भी इस फिल्म को खासा पसंद किया। उन्होंने कहा कि फिल्म का कंटेंट काफी अच्छा है। आज हमें गुरुवर के त्यागमयी जीवन से रूबरू होने का मौका मिला है। रंग की डिबिया चाहिए। क्यों? चित्र बनाना है। पहले बनाना सीख तो ले। आता है। बना के दिखा। बनाता हूँ। चला बैठ जा। बना। बच्चे के लिए रंग की डिबिया लेने। देखिए बहुत सुंदर मंचन था कि किस तरह से विद्याधर, किस तरह से विद्यासागर में परिवर्तित हुए और किस तरह से दीक्षा। मुझे लगता है कि कोई सनातन जो हमारी जो प्रथा है उसको आज मूर्त रूप में देखने को मिला। बहुत बहुत साधुवाद ऐसी सुंदर फिल्म के लिए, और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत लोगों को प्रेरणा देने वाली। निश्चित रूप से धर्म कोई भी हो, संत लोग जो होते हैं वो समाज के एक आदर्श होते हैं, और मैं निश्चित रूप से बहुत अभिभूत हूँ आचार्य संत विद्यासागर जी महाराज की पूरी आज जीवन कथा जानकर। इस युग के सबसे महान संत परम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन काल पर ये पूरी फिल्म बनी है। हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। आचार्य श्री के जीवन का तप, उनका ज्ञान, उनका यश और उनका आशीर्वाद हम सबके लिए, पूरे समाज के लिए कल्याणकारी हो। फिल्म को देखने आए लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। लोगों का कहना था कि फिल्म की स्टार कास्ट ने काफी अच्छा अभिनय किया है। आज हमने गुरुवर विद्यासागर जी की जो आगरा में रिलीज हुई मूवी देखी, तो ऐसा लगा कि गुरुवर के जीवन से हम इतने अनभिज्ञ थे कि हमने पूरा आज पिक्चर के माध्यम से देखा, और गुरुवर ने कितनी मतलब यौवन अवस्था में जो दीक्षा ली, आज हम पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ आए। निर्माता अनिल कुलचानी ने ये जो फिल्म बनाई है, काफ़ी उनके जीवन पर जन्म से लेकर दीक्षा दिवस तक उन्होंने जो फिल्म बनाई उसमें एक एक शब्द त्याग तपस्या को लेके बनाई गई है। फिल्म के यूपी प्रीमियर शो के उद्घाटन कार्यक्रम में पीएनसी परिवार आगरा दिगंबर जैन परिषद ने फिल्म के सभी कलाकारों का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत से फिल्म के सभी कलाकार गदगद नजर आए। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।